मेरा पहला सवाल तो शारदा जी आपसे ये है कि क्या आप ललन टॉप के बारे में जानती हैं कि ये ऐसा कुछ? बिल्कुल जानती हूँ, मैंने कई बार देखा भी है इंटरनेट से, जब भी देखती हूँ लल्लन टॉप का नाम आता, पहले तो मैं नाम सुन के ही मुझे लगा कि नाम बड़ा अट्रैक्टिव रखा गया है लल्लन टॉप। मैं तो आपसे ही सवाल करने वाली थी कि लल्लन टॉप क्यों नाम रखा है इसका। देसी से हैं मैम और ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों के फेर में हम अपनी अपनी जमीन को, अपनी माँ बोली को, अपने बुजुर्गों को भूलना नहीं चाहते हैं। बहुत लल्लन भी बने रहना चाहते हैं, टॉप पर भी जाना चाहते हैं, इसलिए लल्लन टॉप। बहुत बढ़िया व्याख्या भी बड़ी अच्छी की आपने, और मैं तो ये कहूँगी इतनी इतना अच्छा ये कार्यक्रम लल्लन टॉप का, जब भी मैंने देखा है सुना है तो मुझे बहुत ही स्टैंडर्ड लगा हर चीज़ उसमें, और बड़े सोच समझ करके आप लोगों ने ये नाम भी रखा है और उसके अंदर जो कार्यक्रम भी हो रहे हैं बड़े अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जो गूगल के दौर में पैदा हुए हैं और जिन्हें लगता है कि मशहूर तो वो हैं जो इंस्टाग्राम पे सुबह से शाम तक अपनी 15 फोटो डालें डंबल उठाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, मतलब कई बार तो आइसक्रीम पिघल जाती है, दूसरी मंगवानी पड़ती है, चख नहीं पाते क्योंकि शॉट ठीक नहीं आया। और मैंने सच्ची मुच्ची में मैम ऐसे लोगों को देखा है, मैं जानता हूँ, जो उठेंगे ब्रश व्रश कर लेंगे, बाल वाल ठीक कर लेंगे और फिर उसके बाद माई मॉर्निंग लुक, फिर जाके बिस्तर पर लेट जाएंगे, फिर फोटो खींचेंगे, मतलब तमाम दुनिया कैमरे के इर्द गिर्द जी रही है। लेकिन इस दौर से पहले का भी एक दौर था जो अभी तक चल रहा है और आप उस दौर से आती हैं। एक नौजवान के तौर पे हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि जितना हो सके बरगद की छांव में बैठें, उसकी संगत करें, लेकिन हर बरगद की शुरुआत एक बीज से होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शारदा जी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत मेरे आंगन से ही हुई थी। मैंने अपने आंगन में ही जो है, चूँकि हम लोक संगीत की बात करते हैं और सीखा तो हमने शास्त्रीय संगीत भी, ठुमरी दादरा भी सीखा, पर रम गए लोक में, इसकी शुरुआत तो हमारे आंगन से ही हुई थी। और मैं कई बार चर्चा भी मैंने किया है इसकी, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं जितनी बार इसकी चर्चा करूँगी लोग उतनी बार इस बात को जानेंगे और ये रजिस्टर होगा उनके अंदर कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमारे आसपास जो लोक व्यवहार होता है, जो हमारे आंगन में हर घर में जो व्यवहार होता था उन दिनों, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों से मैंने लोक संगीत को सीखा। मैंने अपने घर में, अपने बड़े भैया की शादी में नेग का गाना सीखने से ये शुरुआत की। और वो गाना कौन सा था? वो गाना तो सबको याद ही होगा, कई बार इंटरव्यूज में मैंने कहा भी है, वो गाना था द्वार के छेकाई नेगा। तो मैंने इसको ऐसे गाया, इसको गाया कैसे जाता था गांव में, आपको हम बताएं कि गांव में तो जो गीत गाए जाते थे तो तबला और बाजा तो बाद की बात है ना, पहले तो घूंघट करके और मुंह ढक करके और ऐसे करके गाते थे लोग किसी भी चीज़ को, देवी भगवती का गीत हो या कुछ है, ऐसे कोई देखे ना कैसा मुंह बन रहा है गाने में। तो भाभी ने गाया तो उन्होंने कहा कि भाई नेग ऐसे नहीं मिलने वाला है, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते ननद के, तो बउआ नेग नहीं मिलने वाला है जब तक गाना नहीं सीखिएगा। तुमने कहा दो लाइन सिखा दीजिए, मेरे तो नेग की हड़बड़ी थी, तो सिखाया उन्होंने, तो वो ऐसे गाई इसको, द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैऊ हे दूलरुआ भैया, ये लहजा था उनके गाने का। फिर हमने सोचा मन में कि ये तो भाभी गा रही हैं, लेकिन मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था ताकि लोग इसको कैसे समझेंगे, उतना मैं भी नहीं समझती थी उन दिनों, पर मैंने इसको अपने अंदाज में गाया, वो मैं पेश करती हूँ। संजोग से यही मेरा पहला गाना भी था, ये HMV में जो रिकॉर्ड किया गया मेरा गाना, यही पहला गाना था मैथिली का, द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैयो यो दूलरुआ भैया, तब जइहा को बरुआ पान हे दूलरुआ भैया।
ससुर के कमाई दलहा बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया तब दी अपन कमाई हे दुलरुआ भैया। यही पहला गीत था। पर जब हमारी टीम जिससे मैंने कहा कि मैम के मैम से क्या सवाल पूछे जाने हैं, तो उन्होंने जिक्र किया एक गांव के दुर्गा पूजा कार्यक्रम का। स्कूल में पढ़ती थी आप, पिता के साथ गई थी, और मेरे ख्याल से सार्वजनिक मंच पर वो आपका पहला गीत था। पहला ही गीत था वो। बड़ी शिकायत हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई ठीक है गाना सीखती है, ठीक है इतना तक तो माफ कर दिया गाँव वालों ने, लेकिन अब मंच पर गाएंगे तो बड़ी भारी बात थी वो। मुझे टाइम मिला जब एक सीन और दूसरे सीन के बीच में वो जगह होती है ना, जो उस बीच में मुझे जगह मिली गाने की, तो मैंने ठोक दिया गाना। वो मैंने वो सरस्वती वंदना से सीखा था जो मैंने सीखा था वहाँ, वो गाना था जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती शरणागत प्रति पालनहारी, शीश मुकुट गले माला धारी, जय जगदीश्वरी मा। यही पहला गीत है। मैम कितना बदला है, मतलब एक वो दौर था जब लड़की किशोरी शारदा को इस तरह की चीजें सुननी पड़ती थी। अच्छा गा लिया घर में वो सब तो ठीक है, अब क्या मंच पर भी गाएंगी, और आज वंदना आपके बगल में बैठी हैं और ये बहुत ही सम्मान की चीज मानी जाती है। बिल्कुल, ये दौर बदला और दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होता ही है, काफी कुछ बदलाव आया। और अब तो मुझे याद है कि मैंने 71 में मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, 1971 में। कितने लोग, आप तो बच्चे पैदा ही नहीं लिए होंगे, है ना, 2000 से उधर के कोई नहीं होंगे शायद, 71 में है होंगे। वही तो मैं कहती हूँ, मुझे लगता है मैं ऐसे तो मैं उम्र से बूढ़ी हो गई, पर लगता नहीं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्योंकि आपके जो बड़े हैं वो, उनके जो बड़े हैं वो भी मेरे फैन हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। वैसे भी बरगद की जितनी उम्र बीतती है वो उतना ही सघन होता जाता है। तो क्या कह रही थी? थोड़ा सा धैर्य रख लें। आप क्या पहली बार आए हैं क्या? हाँ, तो मंच की एक मर्यादा होती है, आप मंच के करीब पहुंचे बैठे हैं और आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो अपना जवाब सोच रहे हैं, आप बीच में कुछ बोलते हैं। और आपको पता है हम लोग जब भी यहाँ पे कोई हस्ती आती है तो ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं, प्लीज थोड़ा सा। तो उस समय मैंने जो गाया, तब फिर मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने डांस भी सीखा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने मणिपुरी डांस सीखा था। और मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे, उनकी ये बड़ी इच्छा थी कि अगर एप्टीट्यूड है बच्चे का तो उधर जाना चाहिए, उसको उधर करने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हमारी मेरी जिंदगी में मेरे लिए हुई, अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। और जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड ने बड़ा सहयोग किया, क्योंकि मेरी शादी, ये बीच में मैंने बता दिया आपको कि मेरी शादी के बाद मेरी सास और मेरे घर में और जो लोग थे सब लोग बहुत विरोध किया उन लोगों ने। मेरी सास ने तो 3-4 दिन तक खाना ही नहीं खाया मैं गाना गाऊंगी तो। चलिए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया बिल्कुल। और मैं, मेरे ससुर जी को कीर्तन से बड़ा प्यार था, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई, रोचक है ये, उनकी बड़ी इच्छा हुई कि बहू जो है वो कीर्तन, उनको पसंद था, तो ठाकुरबारी जो है मेरे घर के सटे हुए था, तो उन्होंने कहा कि ठाकुरबारी में एक भजन दुल्हन गा देंगी, ठाकुरबारी भगवान का है मंदिर, मंदिर गा देंगी। लेकिन मेरी सासू माँ बिल्कुल एकदम क्रोधित कि आप तो मन बढ़ा देते हैं, भजन गाएंगे ठाकुरबारी में जाएंगे नई दुल्हन, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और मेरा तो, मैं तो मर गई, मुझे तो गाने का मौका चाहिए था। तो खाना खाएं या ना खाएं,
हम उनके पीछे हो लिए उनके पीछे हो लिए और हमने जाकर के वहां भजन गा दिया। सोचा बाद में अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाने का मौका मिला, गा दिया। तो कौन सा भजन गाया था आपने? जी वो तो भगवान राम का वो भजन था, मोहे रघुबर की सुधियाई घर से बन निकले दोनों भाई, सावन गर जे भादो बरसे, सावन गर जे भादो बरसे, सावन गर जे भादो बरसे, पवन चलत पुरवाई, कौन वृक्ष तर बीजत होई हैं, राम लखन दूनु भाई, राम लखन दूनु भाई। ये था भजन। इतना मीठा भजन सुनने के बाद भी सास की नाराजगी कम नहीं हुई? मन नहीं डोला, नाराजगी कम नहीं हुई। ये कम तब हुई, कई लोग होते हैं ना, कई आप देखेंगे कि आपको अपने घर में लोग अगर कहेंगे, पत्नी कहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वही कोई बाहर का कोई आदमी कह रहे ऐसा था तो वो बात मान लेते हैं लोग। तो मेरी सास को भी जब लोगों ने कहा कि आपका आपकी बहू का गाना जो है वो सुना, शादी का गाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय में शादी के गाने कभी लाउड स्पीकर भी नहीं आते थे, सब आंगन में गाए जाते थे, बाहर नहीं आते थे। तो मैंने आंगन से गीतों को, ये संस्कार के जो गीत थे उनको बाहर निकाला। मैं जानती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो किया वो यही था, वो आंगन के गीत बाहर आए, लोगों की नज़र में आए, और शादियों में शादी के गीत बजने शुरू हो गए। और मुझे याद है कि उसके बाद से धीरे धीरे करते 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 संगीत एक इंडस्ट्री के रूप में खड़ा होता चला गया, और आज तो बहुत बड़ा बाजार। शारदा जी, मैं अभी चुनावी दौरे पर था, छठ का पर्व अभी बीता है, मेरे दोस्त हैं ललन टॉप अड्डे पर भी आ चुके हैं, कमाल के गीतकार हैं, मुंबई बेस्ड हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, राजशेखर। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना तो। राजशेखर ने एक पंक्ति लिखी जो बहुत सारे लोग और उनमें मैं भी शामिल हूँ सत्य मानते हैं। उनकी पंक्ति थी, उनका वाक्य था कि मेरे लिए तो छठ का मतलब शारदा सिन्हा की आवाज़ है। बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा। क्या मिथिला मखान, क्या 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 मखाना, छठ माने शारदा सिन्हा जी का गाना, ऐसे करके वो रिदमिकल बड़ा बना के, बहुत ही अच्छा। बड़ा हम तो भींग गए थे उसको सुन करके कि भाई इतना ज़्यादा प्यार, ये सम्मान, ऐसा लगता है जैसे रख नहीं पा रहे, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतने लंबे अरसे तक ये जो मिलता रहा है, हम इससे अभिभूत हैं, ये कर्ज है समाज का हमारे ऊपर। एंकर जो होता है मैम, वो थोड़ा सा लोभी होता है और थोड़ा सा बदमाश होता है, तो वो कई सारे प्रसंगों का जिक्र इसलिए करता है ताकि उनके सहारे फिर एक गीत सुन सके, और छठ का जिक्र मैंने इसीलिए किया है। छठ में मैं वही गाना गाऊंगी अभी जो पिछली बार, अभी करीब 8-10 सालों के बाद बहुत हमारे फैंस जो हैं बहुत बोल रहे थे कि एक गाना आ जाए, तो दो गाना हमने किया था, उसमें से एक गाना जो बहुत ही अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और वो कोई नई दुल्हन है जो पहली बार कर रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंशुमन जी खड़े हैं, इन्हीं का ये प्रोड्यूस इन्होंने ही किया था, अंशुमन सिन्हा। पहले पहले हम कहनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, पहले पहले
मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार। मैया का जिक्र आया तो वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैया ने सबसे पहले आपको कौन सा गीत सिखाया? वो मैं छोटी थी, सुनती थी स्टेज पे साथ साथ में, बहुत छोटे से माँ के साथ जाना होता था, तो वो बड़ा अच्छा गाना था मुझे, क्योंकि वो हिंदी उस समय ज़्यादा वो लगता था कि अच्छा ये वाला गाना चाहिए, तो वो गाना था कितना रंगीन नजारा, कितना रंगीन नजारा, मौसम है प्यारा प्यारा, मौसम है प्यारा प्यारा, फिर भी मेरा जीना लागे रे लागे रे लागे रे, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत झरनों के गीत सुरीले, नदियाँ का बहता पानी, पंछी ये रंग रंगीले, उड़ते हुए काले बादल जैसे नैनों में काजल, उड़ते हुए काले बादल जैसे नैनों में काजल, फिर भी मेरा जीना लागे रे लागे रे लागे रे। मैंने एक और मंगवा लिया है। इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं शारदा मैम, मेरे भीतर का बच्चा मुझसे बार बार कह रहा है कि जो पहला गीत तुमने मशीन पर सुना उसे सामने सुन लो। मैंने प्यार किया कब होगी? मैं हारमोनियम पे, जी मैं साज, देवेंद्र ऐसे ही गा देंगे, ऐसे ही गा। नहीं नहीं वो बहुत अच्छा बजाते हैं, एनएसडी पास आउट हैं और वो भी नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी तारीफ में बहुत सारी चीजें कह रहा था, मैं आगे भी बोलने वाला था कि खुद भी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, छतरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा ये नहीं बताना था। मैंने प्यार किया क्या वो गाना है ना, कहे तो से पहला गाना, पग पग लिए जाऊं तोरी, ठीक से बजाना, नाक ना कटाना और डांट खाओगे ब्याज में। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में,
रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया। बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तो है अंग लगा, लाज निगोड़ी मारी रोके पैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी जी। आप वैसे भी कह सकते थे ये सब बहुत समझदार लोग हैं, भाई साहब मेरे कान में कह के गए ये लल्लनटॉप अड्डा है सर, यहाँ बड़ा खुली खुली बातचीत होती है कि मैम का भी एक प्रोग्राम है तो बहुत गवाइएगा मत, बहुत गले पे जोर पड़ता है। अभी जा रही हूँ ना गोवा, जा रही हूँ महोत्सव, गोवा महोत्सव में जा रही हूँ, बिहार का झंडा वहाँ, बिहार का झंडा। आप सिर्फ बिहार का नहीं, आप पूरे देश का संगीत का। बिल्कुल, ये तो मैं मानती हूँ जी, ये तो मैं मानती हूँ कि मैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जर्मनी गई थी, मैं और कई जगहों में, कई देशों में गई हूँ, ताज्जुब तब होता है जब कहे तो से सजना पनिया के जहाज से, और इस तरह के गाने जब वहाँ फरमाइश होते हैं तो अजीब लगता है, अरे यहाँ भी सब लोग लिख लिख के फेरिस, मेरे आने से पहले ही वो लिखी हुई पूरी 4-5 तो गीत ऐसे ही हैं कि पटना से बैदा हो तो हमुआ महुआ हो, वो सब चाहिए सबको, तो मैं बहुत 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 ही अच्छा लगता है, और कहे तो उसे सजना मेरे भी दिल के बड़े करीब, बड़े वो गाना बहुत अच्छा है वो, हमारे भी। अब ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर की बारी है, और जी चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि गाने के लिए मत कहिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा जी। सबसे पहले भरपूर आ रही है, शुरू हो जाओ। सबसे पहले मैम मैं सौरभ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर मैं भी औरंगाबाद बिहार से हूँ सर, मतलब मैडम को सामने से देखने का मेरा सपना था, लोक संगीत का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शारदा सिन्हा जी, मतलब आप ये समझिए कि मैडम अमर हैं सर हमारे दिल में, हमारे पूरे बिहार में और पूरे इंडिया में मैडम। और एक बात मैम और कह करके आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो ये छठ का गाना गाया है ना कि ये पहले पहल हम कहनी छठी मैया बरत त्योहार, हम ये कह सकते हैं मैडम कि जो इंसान छठ को नहीं जानता है सर, जो इंसान मुंबई का है दिल्ली का है छठ के बारे में नहीं सुना है, अगर वो भी इस गाने का पूरा वीडियो देख लेना सर वो एकदम से रो देगा मैडम, और इसका मतलब श्रेय सिर्फ आपको जाता है मैम, जब आप इसका पहला लफ्ज शुरू करती है ना उसी समय आँखों में आंसू भर जाता है, तो आप ये फील कैसे लाती हो मैडम कि मतलब ये अमर सा फील है मैम? देखिए ये तो पता नहीं हम कैसे लाते हैं, पर ये ज़रूर है कि छठ के गाने को गाने में मुझे भी कुछ अलग सी अनुभूति होती है, मैं खुद ही नहीं समझती हूँ कि कहाँ से क्या, और भाव में ढल के गाना ये शाब्दिक बात ज़रूर है लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि मैं सचमुच ढल के गाती हूँ, और छठ के गाने में मैं पता नहीं क्या खो जाती हूँ, लगता नहीं कि कुछ नहीं याद रहता मुझे, शून्य दिखता है मुझे गाते समय, और मैं बस गाती हूँ, मैं नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ, पर लोगों ने इतना उसको सराहा है आज तक, जो पहला गीत छठ में गाया था तब और आज जो गाया है वो सारे गाने बहुत लोग उसको गा रहे हैं, उन गीतों को जो हमने शुरू किया था, और छठ के कितने गीत अब गाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे गीतों को भी लोगों ने वही प्यार उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आज भी सुनते हैं। उसकी एक वजह भी है मैम, उसकी एक वजह ये है कि जो लोग साल भर बेहद भद्दे और अश्लील गाने गाते हैं वो भी छठ के गाने गाने लगे हैं
और जब गंगा स्नान तो करते हैं ना लोग जी पर उन्होंने बड़ी मैली भी कर दी गंगा, और ऐसे में मंदाकिनी और गौमुख वाली गंगा बहुत याद आती है। बीच में एक दौर आया 10-15 बरस का जब आपने नहीं गाया कोई नया गाना। नहीं 10-15 वर्ष नहीं था वो, 7-8 वर्ष, 7-8 वर्ष था वो। मैं नौकरी भी तो कर रही थी, तो नौकरी करी तो ना ना करी, और ना करी तो नौकरी ना करी तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी वहाँ से निकलना करना, समझाते बुझाते कि भाई हम आप ही के नहीं हैं, हम बहुत लोगों के हैं, अरे हमको जाने दीजिए। मेरा मन तड़पता था कि हम कार्यक्रम करें, रिकॉर्डिंग करें, उसमें छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, बहुत तकलीफ होती थी। और बच्चों का बड़ा होना, इनका सेटल होना। मैं पूछने वाला था वंदना से ये कि मम्मी के तो बहुत सारे प्रोग्राम रहते होंगे, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था कि मम्मी कहाँ, मम्मी प्रोग्राम करने गई हैं? मुश्किल तो था, बताइए जी। बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके साथ साथ आनंददायक भी था, क्योंकि वो एक सफर था। हमने ये तो बड़े वाला जवाब है, समझदारी वाला। समझदारी तो अब आ चुकी सर जी जी, अब लगता है ना, तो वो अब वो मेमोरीज बन गई, अब वही यादें। जब इनके कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग आ रहे होते थे और हम गोद में कहीं सोते होते थे, हमारे पास अंकल बैठे हैं, तबला वाले अंकल, उनके गोद में बैठे और हम सो रहे हैं, तो वो एक उस वक्त तो याद भी नहीं होगा। हाँ, ये तुम्हें नहीं याद होगा कि बाजा और तबला के बीच में, क्योंकि हम कमिटेड थे रियाज के लिए, कुछ भी हो जाए हम रियाज तो 8 घंटा 6 घंटा वो मेरा रियाज तो चलेगा, बिल्कुल 8-8 घंटे का रियाज किया हमने। तो ये बाजा और तबला दोनों बज रहा है और ये दूसरे कमरे में रोएगी, उससे अच्छा है यहीं पर सुला देते हैं इसको, बीच में इसको सुला देते थे और हम रियाज करते रहते थे। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं दूध पिलाती होती थी और कवर करके, और मैं बाजा बजा के गाना नहीं छोड़ती थी, मैंने कभी नहीं छोड़ा रियाज करना। तो ये है, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, इतना बड़ा तोहफा है मेरे साथ में जी। हमारे कैमरा पर्सन हैं शर्मा जी, ये पूछना चाहते हैं जी, जो संगीत की विरासत आप लोगों ने आगे बढ़ाई, उसकी कुछ बुदबुदाहट मुझे स्टेज के पीछे भी दिखाई दी, जब आप लोग मैम और आप दोनों गाना गा रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा वो गाने को साथ 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 गुनगुना रहा था, वो क्या आप उससे परिचय करा पाएंगे कि क्या वो विरासत आगे बढ़ रही है? जी जी जी, वो तीसरी पीढ़ी है। आई सी अनुषा, कम ऑन अनुषा, आ जाइए आ जाइए। ये भी गाती हैं? हाँ, गुनगुनाती हैं। थोड़ा सा गाना सुनने को मिल जाए तो पता चले कि विरासत कितनी आगे बढ़ रही है। कितना रंगीन है जरा, हाँ। क्या नाम है बिटिया रानी का? अनुषा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, हम कहते हैं महिमा दो अक्षर के नाम की, हम रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यहाँ से वो गा लो, जनकपुर
उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुख माई, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अमु महुआ के झूमे डरिया बीनन हम गईनी महुआ बगिया, महुआ बीनन हम गईनी महुआ बगिया। रसवा से भरी गईले कुला डरिया जी, रसवा से भरी गईले कुला डरिया तनिता का ना बल मुआ हमार होरिया, तनिता का ना बलम, तनिता का ना बलम, तनिता का ना बलम हुआ हमार होरिया। जी आखिरी सवाल। हेलो मैम जी, आप ये जो, हाँ आप पूछे, हाँ ऐसे ही पूछो। स्वाति इनको माइक दीजिए, थोड़ा सा जब सवाल पूछने में बंदर बांट की बारी आती है तो मैं लड़कियों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देता हूँ। जी उसके लिए थैंक यू सर। नहीं नहीं ये जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है पुरुष स्वर। मैम सब, आप सबको सबसे पहले नमस्कार। मैम आपसे बस एक छोटा सा सवाल है, आप मतलब स्त्री और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा, मतलब आप सबसे पहले बेटी रही, फिर बहू बनी, बीवी बनी, माँ बनी, हर चीज हर एक स्टेज से ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, लेकिन साथ में कई बार कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं जहाँ पर समझ नहीं आता कि अपने गृहस्थ जीवन को संभाले या आप अपने जो आप कहते हैं ना कि आपका जो इस गाने के प्रति जो आपकी एक वो थी तड़प, तो उस समय आपने क्या, बहुत सुंदर सवाल, पर्सनल और प्रोफेशनल में बैलेंस कैसे साधें। बहुत बढ़िया, ऐसा है कि ये बहुत कठिन सामंजस्य है जीवन का, किसी के लिए भी हो सकता है, और अगर वो आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या कोई डांसर, कोई भी आर्टिस्ट है उसके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये विधा गाने की है, पहले तो गाना पसंद है कि नहीं, वहाँ पसंद पर बात आ जाती है। लेकिन जहाँ तक है बेटी हैं, बेटी हैं तब तो माँ बाप के साथ हैं, माँ बाप को मना के या माँ बाप के कैसे विचार हैं उनके साथ में चलना होता है, वहाँ एडजस्टमेंट कम करना पड़ता है। जब ससुराल आए तो मैंने पहले भी बताया कि मुझे बहुत एडजस्टमेंट वहाँ करना पड़ा, एडजस्टमेंट नहीं वहाँ तोड़ना पड़ा मुझे, है ना, वहाँ पे, क्योंकि मेरी ये मंशा थी, मैंने पहले भी कह दिया था अपने घर में कि मैं थोड़ी सी दबंग थी अपने घर में, मैं 8 भाइयों की, ये मुझे थी पे थोड़ा सा एतराज है। क्यों अभी भी हूँ क्या जी? देखिए मैं 8 भाइयों की एक बहन हूँ, इकलौती, 6 बड़े भाई और 2 छोटा भाई, मैं अकेली बहन, तो मैं बड़ी वहाँ के शब्दों में कहते हूँ तो दुलारू बहन थी मैं, मेरी बातें उठाते नहीं थे लोग। माँ बोलती थी पिताजी को कि आप बहुत इसका मन वो कर देते हैं, ये कुछ सीखना नहीं चाहती है। बाबूजी बोलते थे कि अच्छा समय आएगा तो सीख लेंगे, भी करने दीजिए इसको, तो नेचुरली बाबूजी के साइड में ज़्यादा रहते थे हम, तो माँ बाबूजी से तो वहाँ तो वो मिल जाता था हमें। जब ससुराल आए तो बताया ही मैंने कि क्या प्रॉब्लम हमको हुई, और फिर वही सास थी हमारी, एडजस्ट ऐसा किया, ये नहीं याद है कि किस तरह से उनको पटाया, वो तो नहीं याद है, भूल गई मैं, लेकिन उनके साथ में अच्छे से बोल बोल के, यहाँ तक कि मेरी भाषा जो है ना वो मैथिली थी बिल्कुल जी, घर में अहाँ कतः जाय छी, बहुत मीठी भाषा वो, और उनका जो घर है मेरा ससुराल जो है वो बेगूसराय जिला है, वो पक्का एकदम, हाँ कहाँ जाय छो आप होन है, तो हमारे यहाँ ननद को जो है वो नाम लेते ही नहीं है मिथिलांचल में,
हे बउआ एमहर आओ तो कनी, और वहाँ पर है निर्मला कनी ने आप होता तो। हाँ, तो वहाँ की एक आपको बात बताऊँ हम, बहुत इंटरेस्टिंग वो बात है कि जब मैं ससुराल गई थी तो वहाँ पे खाने के लिए जो दिया गया ना, तो खाना तो सबको हमको बता दिया था कि खाना मत, पहले दिन खाया नहीं जाता है, ऐसे भी नहीं खाते, मना भी कर दिया कि खाना मत, मतलब बस खाली थोड़ा सा। तो गए वहाँ पर, जब कुछ नहीं खाया तो मेरी सास ने कहा, मेरी ननद थी, बड़ी ननद थी, अपनी ननद नहीं थी लेकिन वो तो हाँ परिवार, उन्होंने कहा कि, वहाँ की भाषा में बोल रही हूँ अगर आप समझें तो, जी 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 जी, कि नहीं हो छे खायल तो कहो ना, मार रोटी मार दूध खाए ले थी। अब मैं तो मार दूध सुन के मैं तो मर गई, मार दूध तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, मैंने सोचा नहीं थी, सोचा नहीं था कभी कि मार दूध क्या होता है। तो मैं ना रोने लगी जार जार में, मार दूध नहीं खाऊंगी, मैंने कभी नहीं खाया है, मैं समझी ही नहीं कि मार दूध किसको कहते हैं। तब जब बहुत बोला तो हमारे देवर उसमें डॉक्टरी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने समझाया, वो उसमें स्मार्ट देवर, उन्होंने बताया भाभी मार का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, हमका मार तो नहीं, नहीं मार मतलब रोटी, तो रोटी दूध खाने के लिए आपको कह रहे हैं। तब जाके हमको चैन पड़ा कि अच्छा रोटी दूध, हम तो सोचे मार दूध कैसे खा सकता है आदमी। जी आखिरी सवाल, नकल करने की मेरी, कैरिकेचर करने की मेरी बहुत आदत रही, तो मैंने जो उन लोगों को पटाया वो चाची जी का, मौसी जी का, इनका उनका सबका कैरिकेचर करती रही मैं। हे हुलास वाली, मेरे मायके का नाम गांव का हुलास है, हे हुलास वाली केना बोले रहो तनी बोलो होता, तो हमने बोल के सुनाया, मौसी जी बोला जरब कर है पेटाम दरदबा होब कर है। तो ये सब सुन सुन के ना उन लोगों को हम बच्चा लगने लगे, और वो समझ गए कि ये यही सब कर सकती है, तरकारी काटने और ये सब का काम जो है। फिर उन्होंने फ्रीडम दे दिया हमको। तो ये वहाँ की बात हुई। फिर शादी के बाद जब बच्चे हुए, मेरा प्रोग्राम इधर उधर जाना, रिकॉर्डिंग सब कुछ करना, तो यही होता था, बच्चे हॉस्टल में भी रहे ये लोग, यही है कि कम समय के लिए भी जब हम मिलते थे तो जी भर के प्यार करते थे, और इन लोगों को गाने बजाने के समय में साथ रखते थे, रियाज के समय में, असली समय जो रियाज का था उस समय में साथ रखते थे। ये जो अंशुमन है ये भी गाता है, और ये इतना ज़्यादा डांस करता था गीतों पर कि लगता था कि आगे चल के डांसर तो नहीं बन जाएगा कहीं। तो खैर संगीत से इतनी रुचि, पूरे परिवार को, मेरे पतिदेव को भी, वंदना को भी, अंशुमन को भी, अब तो आप नतनी भी देख रहे हैं उसको भी, सारे लोग हैं, तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, थोड़ा कुछ खोया कुछ पाया के आधार पर, तो इस तरह से हुआ। जी आखिरी सवाल। हेलो मैम, मैम मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको सामने से देख पाऊंगा, ये लल्लन टॉप के माध्यम से ये पूरा हो पाया सपना सर। और मैम आपसे जब पहली बार, मतलब आपकी मुलाकात जब पहली बार बेगम अख्तर मैम से हुई थी, उसके बारे में मैम कुछ बता दीजिए। ये बेगम अख्तर से आपकी पहली मुलाकात? जी जी जी, वो 71 का दौर था जब हम ऑडिशन के लिए, वो स्ट्रीट प्ले की शुरुआत है, आप बताएं। ऑडिशन के लिए मैं गई थी, और जिस दिन पहली बार मैं गई थी ऑडिशन में, उस दिन उन लोगों ने, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग पहुँचे लखनऊ में हुआ था, वहाँ उन लोगों ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं बहुत दुखी हुई, और मैंने अपने पतिदेव से कहा, मेरी शादी हुई थी 70 में, मैंने उनसे कहा कि चलिए अब तो फेल ही कर दिया, चलिए अब गला ही बिगाड़ लेंगे, खराब कर लेंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि फेल करेंगे, इतना रियाज करते थे तो लगता था कि जरूर पास होंगे, लेकिन फेल कर दिया। तो गए जाके अमीनाबाद में, खूब कुल्फी खाई, गला ही बिगाड़ लेंगे अपना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं जी, ऐसे हार नहीं मानेंगे, चलते हैं एक बार फिर बात करने। तो हम लोग फिर गए नेक्स्ट डे, और जा करके, और मुरली मनोहर स्वरूप, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने मुकेश के रामायण में संगीत दिया था, तो उनसे हम लोगों ने बातचीत की, वो रिकॉर्डिंग मैनेजर थे, उनसे बात की कि हमें एक मौका और दीजिए। मौका की तलाश में दोबारे हम लोग गए, और मुझे वो दिन आज भी याद है, वो म्यूजिशियन भी याद है, वो कहते थे शारदा जी वो माइक पे ऐसा है ना, 10 पैसे चढ़ा दो हो जाएगा आपके। अजीम भाई ढोलक बजाते थे, बड़े हंसमुख थे,
शारदा जी 10 पैसे डाल दो माइक पे, हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ भैया चढ़ा भी देंगे, और लगे कि कहीं आज ना फेल कर दे। तो खैर फिर से ऑडिशन हुआ, मौका दिया उन्होंने, ऑडिशन हुआ। जब ऑडिशन हो रहा था, होने के बाद जो है वो उसी समय में HMV के जनरल मैनेजर VK दुबे वो आए, और उन्होंने जब मेरा गाना सुना तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड दिस आर्टिस्ट, ऐसे करके जोर से उन्होंने कहा। उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। हम जब वहाँ से गा करके हटे, ऑडिशन के बाद जब हटे तो लोगों ने कहा कि आप जरा बूथ पर जा करके मिल लीजिए, वहाँ बैठे हुए हैं, ऑडिशन जो आपका हुआ है। तो मैं गई वहाँ पे, मैं गई तो उस समय मैं बेगम अख्तर जी को नहीं पहचानती थी, मैं जानती भी नहीं थी। तो ये कब की बात है, उस समय मैं पता नहीं था कि कौन है, कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। मैं गई वहाँ तो बताया, आपको पता है ये कौन है? उनका नहीं। तो ये बेगम अख्तर है, ये संगीत की गज़लों की रानी बेगम अख्तर। तो उन्होंने पैर छू के प्रणाम किया उनका, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम रियाज करो, बहुत आगे जाओगी। तो ये उनका आशीर्वाद, ये मेरा सौभाग्य कि बेगम अख्तर जी का ऑडिशन मैंने दिया और उन्होंने मुझे ऑडिशन में पास किया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। आखिरी में इस पूरी सुरीली बातचीत का फिलहाल सुरीला अर्धविराम लगाने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से आपकी ललनटॉप अड्डे पर आमद होगी, हमारी एक दोस्त है मुंबई में। अच्छा। स्नेहा नाम है उनका। अच्छा। स्नेहा कनवलकर। ओके। हाँ। और अनुराग से जब भी चर्चा होती थी तो चूंकि अनुराग खुद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से के रहने वाले हैं, और अनुराग का बड़ा इसरार था जब वासेपुर के लिए वरुण गाने लिख रहा था और स्नेहा खोज खोज के संगीत तैयार कर रही थी कि ये वाला गाना तो शारदा जी आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्नेहा खुद बहुत श्योर नहीं थी, पर फिर एक बार उन्होंने सुना तो बाद की बातचीत में भी स्नेहा ने कहा कि मैं बिल्कुल मुग्ध हो गई थी। मतलब एक एक किस्म की सात्विकता महसूस होती है कई बार आपको संगीत रचते और सुनते वक्त, उन्हें ऐसी महसूस हुई थी आपकी आवाज। वो बिल्कुल दीवानगी सी हो गई थी उसको, वो मैं तो डर गई थी उस फिल्म के नाम से, गैंग्स ऑफ वासेपुर सुना तो मुझे लगा कि कैसा ये मार धाड़, पता नहीं मेरे से नहीं, ये मैच नहीं करता है शारदा सिन्हा और मारपीट, और वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। पर गाना सुना तो अच्छा लगा, उसका कंपोजिशन अच्छा लगा स्नेहा का, और इतने प्यार से उसने वो फुसला के जैसे होता है ना गवाना, वैसे नहीं नहीं दीदी ये बहुत बढ़िया, आपके मुँह से बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी बच्चों की तरह उसकी बात में आगे मैंने गाया, और ऐसा प्रयोग किया उसने कि जो ग्रुप है ना उसमें जो ग्रुप, हाँ कोरस जो गाया जाता है, वहाँ कोई भी नहीं था, वो गई और गजब की मतलब क्रिएटिविटी है, और मंदिर से उठा के जो पूजा वगैरह कर रही थी औरतें सबको, हाँ कीर्तन वाली सबको बुला के ले आया, उनको ट्रेन किया और हमारे साथ सारे ने कोरस गाया, सारे महिलाओं ने। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।